खेती में कमाल कर रहे प्रगतिशील किसान। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार किसानों के हित में नई नई योजनाएं बना रही है, किसानों को न सिर्फ जागरूक किया जा रहा है बल्कि प्रशिक्षण देने के साथ साथ आर्थिक मदद भी मुहैया करवाई जा रही है ताकि प्रदेश के किसान सफल हों, समृद्ध हों। तो वहीं हरियाणा प्रदेश के प्रगतिशील किसान भी खेती बाड़ी के क्षेत्र में नए नए आयाम हासिल कर रहे हैं। यहां तक कि कई नौकरी पेशे वाले युवा नौकरियां छोड़कर खेती कर रहे हैं। तो वहीं सिरसा में एक चिकित्सक पिता पुत्र की जोड़ी भी कृषि और बागवानी के क्षेत्र में कमाल कर रही है। दोनों पिता पुत्र प्राइवेट डॉक्टर होने के साथ साथ प्रगतिशील किसान के रूप में आधुनिक खेती को समर्पित हैं। डॉक्टर गुलाब सिंह सिहाग सरकारी अस्पताल से रिटायर्ड SMO हैं और अब सिरसा में ही एक प्राइवेट अस्पताल के संचालक हैं। डॉक्टर गुलाब सिंह सिहाग के साथ ही उनके बेटे अभिषेक सिहाग भी उनके साथ डॉक्टरी करते हैं। डॉक्टरी के पेशे के साथ साथ दोनों पिता पुत्र सिरसा में अपनी खेती का काम भी खुद ही संभालते हैं। सिरसा से करीब 20 किलोमीटर दूर गांव भावदीन में डॉक्टर गुलाब सिंह सिहाग का अपना फार्म हाउस है, जहां उन्होंने किन्नू, आम, मौसमी, माल्टा, अंजीर, अनार, अंगूर, अमरूद के बाग लगाए हैं। करीब 75 वर्षीय डॉक्टर गुलाब सिंह सिहाग पिछले 12 वर्षों से लगातार आधुनिक खेती कर रहे हैं और अपने युवा बेटे को भी खेती के नए नए गुर सिखा रहे हैं। मैंने ये जमीन, मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और मेरा हॉस्पिटल है, मैं डॉक्टर ही करता हूँ बेसिकली। लेकिन मैंने जो ना, मेरा इंटरेस्ट शुरू में, मैं किसान का बेटा हूँ प्राइमरली, मेरे माँ बाप खेती करते थे और मेरा भी इंटरेस्ट था, तो मैंने 2011 में ये ज़मीन खरीदी थी। पहले मैंने परंपरागत खेती करने की कोशिश की थी, जैसे गेहूँ वगैरह जो कैश क्रॉप है बेचने को, लेकिन कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ उनमें। ये मिट्टी ऐसी थी जिसमें जो है ना, मतलब मैंने सलाह ली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी, तो उन्होंने बताया कि हाँ जो है ना, मतलब आप किन्नू वगैरह की करो, प्लांट्स लगाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने किन्नू लगाए, किन्नू बहुत अच्छे चले और अब मैं बढ़ाते बढ़ाते इसको जो है ना, मतलब माल्टा भी लगा दिया है, बाकी हर तरह का फ्रूट मैंने लगा रखा है यहाँ पे घर के लिए, खाने के लिए भी, सब तरह के अनार है, अमरूद है, आम है, सभी तरह के, मतलब ऑलमोस्ट सीताफल है, अंजीर है, पत्थरचट है, सभी तरह के फ्रूट मैंने लगा रखे हैं। किन्नू भी लगा रखे है, चीकू भी लगा रखे है, इमली लगा रखी, मतलब सभी तरह के फ्रूट मैं कहने, मतलब सारों के शायद मैं नाम भी नहीं बोल सकता। तो उसके बाद जो है ना, मैं तो ये कहता हूँ, मैं टाइम कितना दे सकता हूँ ये आप पूछोगे कि टाइम कितना दे सकते हो। टाइम में रूटीन में तो सारा हॉस्पिटल में ही रहता हूँ, 1-2 घंटे शाम के टाइम जब फ्री हो जाता हूँ तो मैं ये खेतीबाड़ी देखने आ जाता हूँ। मैंने एक आदमी रखा हुआ है, वो उसको सारी इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत मैं भी काम कर लेता हूँ, खुद ही वगैरह भी मैं कर लेता हूँ। मेरे को देखो देख मेरे बेटे का भी इंटरेस्ट इसमें बढ़ गया, वो भी डॉक्टर है, अब वो ज़्यादातर वही देखभाल कर रहा है इसकी, और ये बहुत अच्छा है, उसमें सेहत भी ठीक रहती है और आपका इंटरटेनमेंट भी हो जाता है और एक मतलब आमदनी भी हो जाती है। अच्छा, परंपरागत खेती का जहाँ तक लेके सवाल है, उसमें इतनी आमदनी नहीं हो पाती, फिर पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें मैंने यहाँ पे हर सिस्टम जो गवर्नमेंट देती है बड़े फ़ायदे देती है, जैसे पैक हाउस बनाया उसमें भी, ये डिगी बनाई है इसमें भी, दूसरा सोलर लगा रखा है इसमें भी, मैंने स्प्रे पंप जो है ना, जो मेरे ख्याल है यहाँ कहीं है नहीं दूसरों के पास, वो ले लिए, 6 लाख की थी जिसमें 50% के लगभग सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है। तो ये एक बहुत इंकरेजमेंट मिलती है, बहुत प्रोत्साहन मिलता है इन सब्सिडियों से, हर चीज़ में मदद मिलती है, ड्रिप सिस्टम है, पानी की बहुत बचत होती है, पानी की बचत होने से मतलब जो ना, बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पड़े तो फिर जो ना इतना पानी कहाँ से आए, तो वो भी परंपरागत खेती में पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि इसमें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। दूसरे मैंने जैसे वर्मी कंपोस्ट फार्म भी बना रखा है और कोशिश ये करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक हो, दवाइयाँ बहुत ही कम छिड़कता हूँ, खास करके जो खाने के फ्रूट्स है, सब्जियाँ लगाते हैं उनमें मैं दवाइयाँ नहीं छिड़कता हूँ, सारी जो है ना, मैंने वो बना रखे हैं सॉल्यूशन, ड्रमों भर रखे हैं और वही छिड़कते हैं जिसकी स्मेल से ही जो है ना, मतलब जो कीट हैं वो भाग जाते हैं। तो मैं तो सबसे, सब लोगों से यही प्रार्थना करूँ कि अल्टरनेटिव खेती की तरफ सोचना चाहिए, हॉर्टिकल्चर की तरफ जाना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए, अपनी मिट्टी टेस्ट करवानी चाहिए और मिट्टी टेस्ट करवाने के बाद
जिस तरह से कि प्लांट के लिए आपकी मिट्टी उपयुक्त है उसी तरह का प्लांट्स लगाओ, और मैं सबको कहता हूँ उसमें आमदनी भी ज़्यादा है। मेहनत कंपेरेटिवली एक बार शुरू में तो मेहनत करनी पड़ती है, बाद में इतनी ज़्यादा नहीं। ठीक है, स्प्रे कर दिए, ड्रिप सिस्टम है, एक बार आपने ऑन करना है ड्रिप सिस्टम से पानी अपने आप लग जाता है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं बाद में करनी पड़ती। हाँ, जब एक बार सीजन में जब फ्रूट आता है तब आपको देखभाल करनी पड़ती है, बाकी तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। डॉक्टर गुलाब सिंह सिहाग और डॉक्टर अभिषेक सिहाग ने खेती में नए आयाम स्थापित किए हैं। पहले दोनों पिता पुत्र परंपरागत खेती करते थे, लेकिन बदलते दौर के अनुसार डॉक्टर गुलाब सिहाग ने भी खेती के स्वरूप को बदल लिया और परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती के प्रति रुझान बढ़ाया। वहीं डॉक्टर अभिषेक सिहाग ने यह बताया कि मार्च 2023 में ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल द्वारा उन्हें प्रगतिशील किसान सम्मान से भी नवाजा गया है। देखिए, मैं वैसे तो बेसिकली डेंटिस्ट हूँ, MDS, लेकिन 2011 से मैं इस में आया था। तब तक यहाँ पर परंपरागत खेती होती थी, वही नरमा गेहूँ, लेकिन उसमें कुछ मुनाफा मुझे दिखा नहीं। और इधर उधर से मैंने पता किया तो काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें सब्सिडी आ रही थी और काफ़ी किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा था। तो 2011 के एंड में मैंने इसको किन्नू की तरफ शिफ्ट हो गया, और फिर मैंने किन्नू लगाया और साथ में ये डिग्गी बनाई और पूरा ड्रिप सिस्टम लगाया, जिसके लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी मुझे दी गई। और उसके बाद 3 साल तक तो किन्नू देता नहीं है फ्रूट्स, तो 3 साल तक इसके बीच में इंटरक्रॉपिंग की मैंने, कुछ छोटी फसलें मूंग वगैरह और साथ में क्या कहते हैं नरमा भी किया। लेकिन हाँ, उसके बाद धीरे धीरे सरकार की तरफ से और भी प्रोत्साहन मिला, जिसकी वजह से मैं 2 एकड़ में माल्टा का मैंने अभी बाग लगाया है, साथ ही सोलर भी मैंने अभी पीछे सरकार के उससे लगाया है। और यहाँ मैं अलग अलग तरह से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारे कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जिसके लिए मैंने यहाँ पे मधुमक्खी पालन भी कर रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि घर खाने के लिए भी शहद हो जाए, और साथ ही किन्नू को भी उससे बहुत फ़ायदा होता है, ताकि पॉलिनेशन वगैरह उससे बहुत अच्छी होती है। इसके साथ ही मैं जो अपने देसी नुस्खे हैं जैसे कि डीकम्पोज़र वगैरह या अपनी दालों वगैरह से प्रोटीन्स वगैरह लेके जो दालों के बना के, और उनको भी उनके ऊपर ट्राई कर रहा हूँ अलग अलग तरह से, और मुझे उनका भी बेनिफिट मिल रहा है। और साथ में सरकार से अभी मुझे प्रगतिशील किसान का अवार्ड भी मिला है, जिसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ सरकार का, और इससे मुझे आगे प्रोत्साहन मिलता है। और बाकी किसानों को भी मैं यही सलाह दूंगा कि परंपरागत खेती से हट के अगर वो कुछ करेंगे तो वो ज़्यादा कामयाब होंगे, क्योंकि नेचुरल जो होती है दिक्कत वो होती तो किन्नू में भी है, लेकिन बाकी फसलों में बहुत ज़्यादा है कि एकदम साफ हो जाता है, कुछ भी नहीं मिल पाता उस किसान को, तो वो दिक्कतें नहीं है। और जैसे कि ड्रिप इरीगेशन है, ये सब अगर हम यूज़ करेंगे तो इससे हमारा जो नीचे का जल है वो भी बचेगा। आजकल दिक्कत बहुत ज़्यादा है, मेरे इस एरिया में ही 300-350 के आसपास पानी का लेवल हो चुका है, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है, तो हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए। और दूसरा है कि ड्रिप में आप प्राकृतिक करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अब जो मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि ऐसी सब्जियाँ आ रही हैं जो एक दिन में गल जाती हैं, क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा यूरिया DAP और खादों का, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम उनसे भी हटके थोड़ी कोशिश करेंगे धीरे धीरे, जैसे कि मैंने यहाँ वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी लगाई हुई है, केंचुआ खाद जिसे हम बोलते हैं, उसकी हम खाद तैयार करते हैं और उसी को हम इसमें यूज़ करते हैं, और इस तरह से हम अपने आगे वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा दे सकते हैं, ताकि उनके लिए पानी भी बचे और कुछ अच्छा खाना भी वो खा सकें। जैसे परंपरागत खेती ऑलमोस्ट किसान करते हैं, तो उससे कितना ये अलग से खेती है? कुछ अलग नहीं है, उल्टा इसमें सहूलियत अच्छी है। अगर वैसे किसान पानी लगाता है तो एक तो पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो गई, इसके अलावा उसको पूरा टाइम जब तक वो 7-8 घंटे लगा रहा है उसको उसके बीच में ही घूमना पड़ेगा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। जबकि ड्रिप इरीगेशन है, हम वहाँ से बैठे एक बटन दबाते हैं और हमारा टाइम फिक्स है कि इसको 2 घंटे में हमें इस प्लांट का पानी पूरा हो जाएगा, तो हम सिर्फ उसको 2 घंटे बाद बटन को ऑफ करना है। हमें कोई घूम घूम के नहीं देखना है पानी इधर तो नहीं टूट गया, ये तो नहीं हो गया, कोई नुकसान की जो है वो सब चीज़ें इसमें फ़ायदा ही करती हैं।
ये जो खेती है फ्रूट की खेती, इसमें आपकी कितनी लागत लगती है और मुनाफा कितना होता है? लागत और मुनाफा, लागत तो खैर वही रहती है जो हर साल रहती है, मुनाफा बहुत ज़्यादा भी हो जाता है कभी, लेकिन एक लिमिट तो है ही जिससे नीचे नहीं होता है। और उसके लिए भी अब सरकार ने किन्नू को इंश्योरेंस स्कीम भी शुरू कर दी है, तो अगर ऐसी कोई बहुत ही भयानक स्थिति आती है जिसमें कि फल बचता ही नहीं है तो उसके लिए वो इंश्योरेंस भी अब है। लेकिन हाँ, एक बढ़िया मुनाफा एक किसान अगर वो मेहनत करता है और अपने इन पे ध्यान करता है तो वो एक बढ़िया मुनाफा हर साल कमा सकता है। प्रगतिशील किसान पिता पुत्र सरकारी योजनाओं का लाभ खुद भी उठा रहे हैं और परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी अपनाकर खेती से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, और साथ ही दोनों पिता पुत्र दूसरे किसानों को भी आधुनिक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं।